जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका रहमान फिज़िक्स क्लासेस में। तो आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिज़िक्स वॉल्यूम फर्स्ट का हम लोग क्लास ट्वेल्थ का देखने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न कि एक पॉइंट यानी कि बिंदु आवेश पर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो E बराबर एफ वाई क्यू या B बराबर B में E बराबर एफ वाई ई एफ वाई क्यू या C नंबर में है E बराबर हाफ एफ क्यू, D में है E बराबर Q बाई एफ। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन होगा E बराबर एफ वाई क्यू, दिस इज़ द आंसर। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है कितना होगा। तो देखिए हम लोग इसके डायरेक्टली आंसर पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है बच्चों वो कितना होता है, सिग्मा, और सिग्मा बराबर होता है क्यू बाय ए, यानी एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं, ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक तीव्रता का एसआई मात्रक होता है, होता है क्या होता है। तो देखिए E बराबर हमने पहले प्रश्न में पढ़ा F बाई क्यू, तो इस फार्मूला से इसका यूनिट क्या हो जाएगा, F का न्यूटन, इसका कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ये सही वाला कौन सा होगा कि इसका आंसर होगा न्यूटन पर कूलाम। चलिए फोर्थ नंबर में चलते हैं। जो अगला प्रश्न है, निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युत शीलता है क्या है, निर्वात की विद्युत शीलता। तो याद होगा आपको एप्सिलॉन नॉट से इसको लिखते हैं, और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है बच्चों वो कितना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10^-12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा फाइव नंबर वो ये है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, डाइपोल मोमेंट का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। तो याद होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P, और P बराबर होता है Q का मॉड इंटू L, तो Q के लिए क्या हो गया कूलाम, और लंबाई के लिए क्या हुआ मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर, तो इसका ऐसा ही यूनिट हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की, तो अगला
कूलम के नियम का सदिश रूप है? कूलम के सदिश रूप है। ऑप्शंस कई हैं लेकिन हम ऑप्शंस पे नहीं चलेंगे, टाइम बहुत लगेगा बच्चों, तो इसलिए हम लोग विदाउट ऑप्शन चलेंगे। तो F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर क्यूब इंटू वेक्टर R। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाय वेक्टर R का मॉड इंटू क्यूब और वेक्टर R। आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चला जाए। तो अगला प्रश्न है, निम्न में कौन वोल्ट मीटर इकाई रखता है? निम्न में से कौन कौन वोल्ट पर मीटर इकाई रखता है? ऑप्शन ए है विद्युत फलक, ऑप्शन बी है विद्युत विभव, ऑप्शन सी है धारिता और ऑप्शन डी है विद्युत क्षेत्र। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? हमारा डी नंबर ऑप्शन होगा, विद्युत क्षेत्र, क्योंकि ई बराबर डी वी माइनस डी वी बाई डी एक्स से अगर हम लोग तोड़ेंगे इस फॉर्मूला को तो क्या मिलेगा हमें, पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूला से विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। तो अगला प्रश्न है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। अब देखिए ऑप्शन मैं पढ़ता हूँ, उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। पहला है संरक्षी, दूसरा है असंरक्षी, तीसरा ऑप्शन सी नंबर है कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्या होता है, ये हमेशा संरक्षी होता है बच्चों, ठीक है, यानी कंजर्वेटिव होता है। तो आंसर हमारा हो गया कि ये संरक्षी होगा। ठीक है, चलिए तो स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्टेट कूलम डैश कूलम होता है, वन स्टेट कूलम इज इक्वल टू डैश स्टेट कूलम, सॉरी डैश कूलम होगा, तो देखो बच्चों कितना होगा, कूलाम में चेंज करना है तो 1/3 इंटू 10^-9 कूलाम। ठीक है, क्योंकि 3×10^9 स्टेट कूलाम जो होता है, एक कूलाम में 3×10^9 स्टेट कूलाम होता है, तो इसलिए एक स्टेट कूलाम में 1/3×10^-9 कूलाम होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा 10 नंबर प्रश्न जो है, 10वां प्रश्न वो है, चालक पदार्थ से बने असीमित चादर, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित
पतली चादर, पतली चादर की सतह के निकट विद्युत क्षेत्र होगा। तो विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो E बराबर होता है बच्चों सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट चादर के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे क्या रहता, चादर की जगह पर अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करते प्लेट, चादर की जगह पर अगर हम प्लेट यूज़ करते तो प्लेट के लिए होता E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल होता है, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल होता है F बराबर क्यू ई। ये बल होगा F बराबर क्यू ई। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट इनटू मीटर, आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों एक साथ तो होगा नहीं, कोई एक होगा ऑप्शन में, नहीं अगर दोनों होगा तो वहाँ पे ए और बी दोनों लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब किसी चालक की धारिता होती है, अगला प्रश्न है, किसी चालक की धारिता होती है तो सी बराबर क्यू बाई भी, यहाँ से Q बराबर सी भी लिख सकते हैं आप। अगर इसी में पूछता कि समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता होती है तो हवा में होती है C नॉट बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होगा तो K इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाय D हो जाएगा। ठीक है, चलिए चालक की धारिता समझ में आ गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 14 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए अगला प्रश्न है, किसी आवेशित संधारित्र के, किसी आवेशित संधारित्र के संग्रहित तथा संघनक प्लेट पर कुल आवेश होता है, कुल आवेश होगा। तो बच्चों ध्यान देना है, जितना इस पर पॉजिटिव होता है, इस प्लेट पर संग्रहित प्लेट पर जितना पॉजिटिव उतना ही संघनक प्लेट पर निगेटिव। तो अगर हम प्लस क्यू में जोड़ दें माइनस क्यू को तो रिज़ल्ट हमारा हो जाएगा ज़ीरो। तो नेट चार्ज अगर जब भी पूछेगा तो नेट चार्ज हमारा क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 15 नंबर,
64 समरूप बूंदें, 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता पांच माइक्रोफैराड है, आपस में मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है। तो आप समझ गए होंगे बड़े बूंद की धारिता हमें निकालना है कि बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। बड़े बूंद की धारिता, तो देखिए बड़े बूंद की धारिता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, C बराबर होता है n के पावर 1/3 इंटू छोटे बूंद की धारिता स्मॉल c। तो n कितना है 64 यानी 4 के पावर 3, और इसकी होल पावर 1/3 इंटू c है 5। तो 4 × 5 कितना हो गया 20 माइक्रोफेराड है, तो माइक्रोफेराड दे देंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा हो बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, निकेल है, निकेल है, निकेल क्या है? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय। तो याद रखना है फेकूनी, फेकूनी ये तीनों क्या है, फेरम कोबाल्ट निकेल ये लौह चुंबकीय पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। तो ये लौह चुंबकीय है। चलिए तो अगला सवाल है, यदि डेल्टा किसी जगह पर नमन कोण है, यदि डेल्टा किसी जगह पर नमन कोण है तो डेल्टा का क्या होगा? डेल्टा के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, बी वी बाय बी एच, टेन इनवर्स। तो टेन डेल्टा इज इक्वल टू, आपसे पूछ रहा है कि टेन डेल्टा क्या हो जाएगा, तो बी वी बाय बी एच, वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है क्या होगा? तो वेबर बताए थे, जिसका कोई नहीं देवर उसका मात्रक वेबर। तो जब चुंबकीय फ्लक्स की शादी ही नहीं हुई तो इसके देवर कहाँ से आएंगे, और जब देवर नहीं होगा तो इसका मात्रक वेबर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। अगला प्रश्न 19 नंबर, जल को कीटाणु मुक्त करने में या कीमती पत्थरों की पहचान की जाती है। तो याद रखना अल्ट्रा वायलेट रेज से बच्चों, क्या होगा आंसर, अल्ट्रा यूवी रेज यानी प्राबैंगनी किरण। कीमती पत्थर का पहचान में किसका यूज होता है, प्राबैंगनी किरण का यूज होता है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है, स्व
स्व प्रेरकत्व का, एस आई मात्रक होता है, होता है। तो याद रखना है स्व प्रेरकत्व हो या अन्योन्य प्रेरकत्व, इसका एस आई मात्रक हेनरी होता है, ठीक है। स्व प्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व का एस आई मात्रक हेनरी। चलिए तो बच्चों अभी हम लोग इतना ही ऑब्जेक्टिव रहने देते हैं, किसी कारणवश हम लोग अभी ऑनलाइन क्लास लाइव नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आपके लिए मैंने कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव का एक सेट डाल दिया है ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में काम आए, और हम लोग इसी तरह से क्वेश्चंस को इसी टाइप से अभी डालते रहेंगे, यूट्यूब पर हमारे चैनल पे आता रहेगा। ओके बच्चों, थैंक यू, जय हिंद, ओके।